चंबल में छोड़ा गया पानी इस समय राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में आफत बनी हुई है। बाढ़ से लगभग 200 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें लगभग 50 गांव खाली करा दिए गए हैं। खाली हुए गांव के नाम बीलपुर, घेरमलन का पुरा, निवरीपुरा, रडुआपुरा, मलबसई, पिपरीपुरा खाली करा दिए गए हैं। इन लोगों को प्रशासनिक मदद के द्वारा सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। कुछ गांव चंबल की बाढ़ से टापू बने हुए हैं। दलजीत का पुरा, भामई बीच का पुरा, सुख्य ध्यान का पुरा, किसरौली आदि गांव टापू बने हुए हैं, जो चंबल के पानी से पूरी तरीके से चारों तरफ से घिर चुके हैं। रेस्क्यू टीम के द्वारा इनके लिए खाने पीने की चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं। करीबन 100 गांव ऐसे हैं जिनको प्रशासन के द्वारा खाली करने का आदेश दे दिया गया है। और क्योंकि प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि बैराज डैम से रात 5 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ दिया जाएगा, इससे चंबल में बाढ़ की स्थिति और भयानक हो जाएगी। अभी चंबल का पानी राजघाट पुल पर डेंजर जोन 138 है और पानी 140 के ऊपर है, यानी खतरे से ऊपर चल रही है चंबल नदी। हजारों बीघा बाजरे की फसल बर्बाद, पीड़ित लोगों का कहना है कि पिछले साल आई बाढ़ का खामियाजा गांव के लोग अभी तक पूरा नहीं कर पाए और इस साल फिर से यहां हमारे बाढ़ आ गई। पशुओं को आप कहां से खिलाएं? इन गांवों की हुई फसल बर्बाद। कुथियाना, बीलपुर, घेर मल्हन का पुरा, पिपरीपुरा, निवरीपुरा, रनुआपुरा, डंडोली, किसरौली, लखुआ, कछपुरा, मलबशई, दलजीत का पुरा, बीच का पूरा और भी गांव हैं जिनकी 100% बाजरे की फसल बर्बाद हो चुकी है। करने के लिए रहने के लिए व्यवस्था नहीं रहती है हमारी, सब बहुत परेशान होते हैं हम। और हमको आश्वासन दे के चले जाते हैं आपको हम घर मकान बना के देंगे, घर खाली करो, घर खाली कर देते हैं, फिर मकान तो बना के देते नहीं है, बोल के चले जाते, आश्वासन दे जाते हैं बस, और तो कुछ करते नहीं है। आज कोई अधिकारी अपने गाँव में आया? मेरे यहाँ कोई भी नहीं आया सर, अभी तक कोई भी नहीं आया, पूरी घेर घिर चुकी है। अच्छा। तो आई भी नहीं है। चंबल नदी कितनी तेज बढ़ रही है? बहुत रफ्तार से सर, एक घंटे में कम से कम 1-2 किलोमीटर बढ़ जाती है। अच्छा। मेरे यहाँ से चंबल 15 किलोमीटर है, तो मतलब हमारे यहाँ गेल गिर जाती है, हमारे यहाँ का नहर रहता है तो पानी बहुत तेजी से भागता है। तहसील पटवारी साहब को नहीं आया? पटवारी साहब तो हमारे आए ही नहीं है बिल्कुल भी। कब थे? तो हम बताते, हमारे तो आई भी नहीं अभी, पटवारी तो आई भी नहीं है बिल्कुल देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं, पटवारी तो आता ही नहीं है। वो भी जो खाद में जो खेतों का जो भी कुछ मिलता है ना ऊपर से, वो भी खा जाते हैं। तो तुम्हारे गांव में बाजरा की फसल पूरी डूब चुकी? पूरी फसल डूब गई, देख रहे ना साहब आप, देखो तुम लाइव देखो ना, ये देखो जी आज बाजरा देखो सब डूब गए, पानी देखो यहाँ से वहाँ तक कितनी दूर तक। अच्छा। पानी फैला हुआ है यहाँ पे। हाँ भाई, अपना क्या नाम है? देखो मेरा नाम सुनील सिंह कुशवाहा, ये है हमारे बड़े भाई गाँव के। पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम श्री चंद्र सिंह कुशवाहा। अच्छा, गाँव? मेरा गाँव रडुआपुरा, पोस्ट जवान, तहसील अम्बा, जिला मुरैना। अच्छा, चंबल नदी है तुम्हारे गांव में? चंबल चंबल नदी तो जहाँ से बहुत दूर है, कम से कम होगी 7-8 किलोमीटर। तो चंबल नदी थी तो ये बाजरा तुम्हारे पूरे नष्ट? चंबल नदी आ चुकी है और बाजरा की खेती पूरी वो हो चुकी खत्म। कोई अधिकारी वगैरह तुम्हारे, तहसीलदार, पटवारी, SDM वगैरह कोई आए तुम्हारे गांव में सूचना करने के लिए? हमारे गांव में आए होंगे तो मेरे को मालूम नहीं है, पर कुछ कोई नहीं आए आ जाए, पर हमारी अगर कोई सुनवाई नहीं करता है कोई भी अधिकारी, ना थाने वाले, ना कलेक्टर, ना SP, कोई नहीं करता सुनवाई। किस चीज़ की नहीं सुनवाई हो रही है? अरे किसी भी चीज़ की नहीं हो रही है, एक मेरा केस था। कुछ मांग रहे हो आप? कुछ तो बोलो ना। नाम मांग रहे हैं, रहने के लिए जगह मांग रहे हैं, आश्वासन देके चले जाते सर, देने की जगह देते ही नहीं है, जगह देते ही नहीं है। हाँ, फिर भी अगर किसी बार किसी चीज का केस हो तो भावनी भी कोई नहीं सुनो। क्या कोई केस सुनता है? क्या केस था? केस था 302 का, मेरी बहन खत्म कर दी थी, उसमें अगर SP को आवेदन दे चुका कई बार, 6-7 बार, 3-4 बार कलेक्टर को, DIG को, सिवन को आवेदन दे चुका, कोई सुनवाई नहीं। तो अगर वैसी सरकार है गड़बड़ कर देती है। कौन सी सन की बात है ये? जे 16/6/2021। अच्छा ठीक है। जे बच्चे क्या नाम है आपका? देवेंद्र है मेरा नाम। कौन सा गांव है? पिताजी को नाम? चंबल की जो बाढ़ आई है अभी, तो आपके गांव की लगभग कितनी फसल बर्बाद हुई होगी? फसल अभी करीबन 150-200 बीघा की फसल बर्बाद हो गई। बाजरा पानी इसका बढ़ रहा है कि उतर रहा है? अभी पानी बढ़ रहा है और इसी तरह बढ़ता रहा तो ये जो मजरे टोले हैं ग्राम पंचायत कुथियाना के, बीरपुर के,
इनमें फिर मकानों में और जनहानि पशु हानि की संभावना बढ़ जाएगी। आपके गांव का एक मजरा है नीबरी पर, उसको तो निकलने के लिए रास्ता नहीं है। हाँ रास्ता नहीं है, उसका बंद भी है। उसका रास्ता ऐसा है कि हम उनको लेने जाना चाहें, पैदल भी जाना चाहें तो पैदल नहीं निकल सकते। फिर कैसे निकालोगे उनको? अब क्या करें, कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी, मजबूरी है। मजबूरी है। शासन की मदद मिल रही है? शासन की अभी तो कोई मदद नहीं है। शासन आता है, बोल जाते हैं कि हट जाओ, लेकिन कई बार हमने कहा भी है कि हट कहाँ से जाए, कैसे लेके आए इनको, घर गृहस्थी का सामान ट्रैक्टर ट्रॉली कहाँ से निकाल के लाए, इनका रास्ता तो है ही नहीं। कई बार जनप्रतिनिधियों से भी इसके विषय में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कोई नहीं। फसल तो सारी वो भी होगी ना? हाँ फसल पूरी जमीन में फसल है, बाजरा की फसल खड़ी थी, बहुत अच्छी फसल थी इस साल।